बहुत स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात चुनावी अपडेट। चौथे चरण के चुनाव को अब 100 घंटे से भी कम वक्त का वक्त रह गया है। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड को लेकर अब नया बवाल शुरू हो गया है। ये विवाद शुरू हुआ अमरावती की बीजेपी सांसद नवनीत राणा के एक बयान से। अमरावती से बीजेपी की सांसद नवनीत राणा जब हैदराबाद सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा जिसने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। चौबीस की लड़ाई 15 सेकंड पर आई। ओवैसी के 15 मिनट वर्सेस नवनीत के 15 सेकंड। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड ने बल्कि घंटा ले लीजिए ना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। 2024 की चुनावी लड़ाई हैदराबाद पहुंची तो एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी सांसद नवनीत राणा हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार कर रही थीं। ओवैसी के गढ़ में उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को खुला चैलेंज किया और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हाथ। अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। 22 दिसंबर 2012 को अकबरुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के निर्मल शहर में ये भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी, जिस मामले में उनके खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके बावजूद जुलाई 2019 में उन्होंने एक बार फिर तेलंगाना में वैसा ही भड़काऊ बयान दिया, और अब नवनीत राणा ने उनके 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड में देने की बात कही, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। AIMIM ने चुनाव आयोग से नवनीत राणा के खिलाफ शिकायत की है, और असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि एक घंटा ले लीजिए ना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, मैं हम तो तैयार हैं। 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ, सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है, एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको। हैदराबाद से बीजेपी ने माधवी लता को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। ये पहली बार है जब हैदराबाद सीट से किसी महिला कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है। 13 मई को यहां चौथे फेज की वोटिंग है, और उससे पहले हैदराबाद का सियासी पारा हाई है। क्या करेंगे, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ कहा है वो भी गलत बात है, लेकिन उसका जवाब जो नवनीत राणा जो आज सांसद है कहा है बहुत ही शर्मनाक है। चाहे नवनीत राणा हो और चाहे ओवैसी बंधु हो, एक ही जैसी भाषा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस दे दीजिए तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे, कोई कह रहा है कि मुझे 15 सेकंड के लिए पुलिस दे दीजिए तो फिर हम मुसलमानों को सबक सिखा दें। आखिर आ गए ना हिंदू मुसलमान पर।
और अगली खबर एक बड़े सवाल से शुरू होती है। आज देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून का टाइम आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जनसंख्या विस्फोट पर लाल किले से जिस खतरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था उससे सावधान हो जाना चाहिए। यह सवाल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के आधार पर उठ रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि देश में हिंदू आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह रिपोर्ट भारत और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। ये रिपोर्ट हमेशा के लिए दुष्प्रचार की उस दुकान पर ताला लगा देगी जिसके तहत कहा जाता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की जनसंख्या पर रिपोर्ट क्या आई, इस पर सियासी घमासान मच गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। जनसंख्या की इस रिपोर्ट पर गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत के सनातन अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और जब तक सनातनियों की संख्या है तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है। अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं आप लोग, उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन 2024 तक नहीं हुई। तेजस्वी ने बीजेपी पर रिपोर्ट्स के जरिए नफरत फैलाने और मुद्दों से भटकाने के आरोप लगाए। वहीं AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बनाई रिपोर्ट है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। रिपोर्ट पर हिंदू संगठन ने चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि देश में समान जनसंख्या नीति का बनना जरूरी है। वहीं संत समाज का कहना है कि अगर ऐसे ही हिंदुओं की आबादी घटती रही तो भारत के इस्लामिक देश बनने का खतरा है। मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम जैसे दो बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारा हो गया उससे हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें बंटवारा कर लेंगे। दोनों में यदि तुलना करते हैं तो परिस्थिति की गंभीरता ध्यान में आती है। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और काफी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। और रिपोर्ट आई तो रिएक्शन भी आने लगे। रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश से रिएक्शन आया, बीजेपी नेता आंकड़ों को सच्चाई बयां करने वाला बता रहे हैं और कांग्रेस सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है। ये एक रिपोर्ट है, उसके पीछे तमाम प्रकार के तथ्य हैं, आंकड़े हैं और जो आंकड़े हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों हड़कंप है? कांग्रेस में कांग्रेस को क्यों आपत्ति लगती है इस रिपोर्ट पर? कांग्रेस जहां मुसलमानों के बारे में कोई सवाल खड़ा होता है कांग्रेस घबराने लगती है। वोट बैंक की राजनीति क्यों करती है? तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करती है? जब जब ऐसे सवाल आते हैं कांग्रेस अपना मुंह क्यों छिपाती है? रिपोर्ट बताए, कोई सरकारी अथेंटिक उसकी प्रामाणिकता बताए उस रिपोर्ट की। नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को ये गलत करेंगे? कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो द्वेष विद्वेष और नफरत का एजेंडा है उसको फैलाने वाला एजेंडा है। बताएं वो किस प्रमाणिक करें। भारत में अभी जनसंख्या तो 2021 में होनी थी, वो तो सेंसस हुआ नहीं है, ये आंकड़ा उनने कहाँ से निकाल दिए? और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान है। बीजेपी ने कहा नीति बनाने की जरूरत, कांग्रेस ने कहा बीजेपी को ये चुनाव के समय ही याद आता है। रिपोर्ट जारी हुई है और मैं सोचता हूं कि यह चिंता का विषय है।
बहुसंख्यक समुदाय क्यों घट रहा है ये हम सबको समझना भी पड़ेगा और इसके निराकरण भी करने पड़ेंगे। डेमोग्राफी चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 पीढ़ी पर्याप्त होती, तो डेमोग्राफी बड़ा चेंज हो गया तो भारत संभलेगा कैसे ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव के समय क्यों याद आता है? भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज का चुनाव चला गया, सेकंड 10 साल से बड़ा मौका आपको मिला था, इसको पब्लिकली इसको रिलीज करना था, 10 साल में तो आपने किया नहीं, कुछ बताया नहीं, लेकिन अब क्योंकि चुनाव है, ये चुनाव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, धार्मिक भावनाओं को कुदेर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। इधर इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नोटा मुहिम NOTA नन ऑफ द अबव ये मुहिम छेड़ दी है। दूसरी तरफ बीजेपी बंपर मतदान के लिए कमर कस रही है। कल बीजेपी राजवाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाकर वोटिंग करने का संदेश देने वाली है। और इस बीच मोहन भागवत ने भी लोगों से बेस्ट को चुनने की बात कही है। इंदौर में लोकसभा चुनाव ने अलग रंगत पकड़ ली है। नॉमिनेशन वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने जो धमाका किया उसने इंदौर की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। दरअसल अक्षय कांति बम ने न केवल अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया बल्कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव का रण एक तरफा हो गया। हालांकि बीजेपी के दांव से चारों खाने चित हुई कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति बनाई और नोटा के लिए मुहिम शुरू कर दी। सुनिए नोटा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को। अभी जो कृत्य हुआ इंदौर में इसमें अपहरण हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। मैं अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, मेरी विचारधारा उत्प्रोत है, मैं आइडियोलॉजी से कांग्रेसी हूँ, पर मेरे शहर के लिए राजनीति से ऊपर उठकर मेरे हित और स्वार्थ से ऊपर उठकर भी मुझे बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने इंदौर में कल से नोटा को लेकर मुहिम शुरू की तो बीजेपी ने भी जवाबी मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ कांग्रेस लोगों से नोटा दबाने की अपील करती दिखी, साथ ही वाहनों पर नोटा के पोस्टर चिपकाते नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी लोगों से बंपर वोटिंग की अपील करती नजर आई, साथ ही वाहनों पर लगे नोटा के पोस्टर को हटाती भी दिखी। इस वोटिंग की अपील को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख के बयान को पोस्ट किया। संघ प्रमुख ने नोटा को जनता के हित के खिलाफ करार दिया। अपना कर्तव्य है और अधिकार भी है, मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। कांग्रेस जिस नोटा को लेकर मुहिम चला रही है उसका प्रत्याशी की हार जीत पर क्या कोई असर होगा, इस सवाल को जरा ऐसे समझ लीजिए। नोटा का चुनाव पर क्या असर? अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाए तब भी चुनाव कैंसिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, नोटा को उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिल जाए तब भी नोटा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार होगा वही जीता हुआ कहलाएगा। देखिए, नोटा एक विकल्प है, विकल्प के रूप में जो EVM में जो आखिरी बटन है वो नोटा का है। नोटा कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी नहीं है। तो यदि आप ये समझना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हैं कि यदि नोटा को अधिक मत मिल जाए विनिंग कैंडिडेट से, तो वर्तमान प्रावधान में ऐसा नहीं है कि निर्वाचन रद्द हो जाएगा या नोटा को विजयी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान निर्देशों में नहीं। कुल मिलाकर नोटा असहमति दर्ज कराने का टूल तो है लेकिन इससे बदलाव की गारंटी नहीं मिलती। ऐसे में इंदौर में कांग्रेस की नोटा मुहिम सवालों के घेरे में जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। गर्मी से निजात पाने के लिए आप नारियल पानी पीते होंगे, ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी पीते वक्त बहुत बहुत सावधानी बरतनी चाहिए? क्यों, तो ये रिपोर्ट देखिए। मैदानी इलाकों में पारा सितम ढा रहा है, गर्मी अपने पूरे तेवर में है। गर्मी से बचने के लिए हम ठंडा पानी और जूस पीते हैं,
गर्मी के मौसम में नारियल पानी की भी काफी डिमांड बढ़ जाती है। नारियल का पानी सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सड़कों के किनारे लोग दुकान के बाहर स्ट्रॉ से नारियल पानी पीते हुए दिख जाते हैं। नारियल पानी वाला तुरंत नारियल को काटता है और हमें स्ट्रॉ लगाकर दे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रॉ से नारियल पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है? गर्मियों में लोग हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी का ज्यादा सेवन करते हैं और बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस होता है कोकोनट वाटर। सबको लगता है कि इससे पीने से जो है आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर है क्योंकि ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉल को बैलेंस करता है और आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन इसको पीने का भी एक सही तरीका है क्योंकि अब एक नई बात सामने आ रही है कि अक्सर क्या होता है, आमतौर पर देखा है लोग जाते हैं और नारियल को कटवाते हैं और स्ट्रॉ डालकर उसको पी लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे जो इन्फेक्शन भी है वो हो सकते हैं क्योंकि नारियल के अंदर जो है वो बहुत सारा फंगस होता है जो आपकी बॉडी में जा सकता है, जिससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन्फेक्शन हो सकते हैं। कई बार अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या एलर्जी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर पहली बात है, एक तो जो स्ट्रॉ, जिस स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, तो वो काफी समय तक गर्मी में रहती है, हीटेड हो जाती है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, क्लीनिंग का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, हाइजीन का वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। बेहतर यही होता है कि नारियल पानी को घर के अंदर लेकर आएं और ग्लास में छान कर आप उसको पिए, ताकि किसी भी तरह की एलर्जी रेस्पिरेटरी समस्या से आप अपने आप को बचा सकें। इसलिए चिलचिलाती धूप में नारियल पानी पीने का मन हो तो थोड़ा संयम शरीर को नुकसान से बचा सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों से बचना क्योंकि आपकी बॉडी में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि नारियल पानी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा, अगर सही तरीके से इसका सेवन किया जाए तो ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचा सकता है और गर्मियों में एनर्जेटिक भी रख सकता है। इसके साथ साथ अगर गर्मियों में आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करें, फ्रूट वाले फल लें और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। नारियल पानी सेहत के लिए संजीवनी माना जाता है, इससे हमारे शरीर को कई फायदे हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है और थकान कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी यह कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स पाए जाते हैं। नारियल पानी में कम कैलोरी और ज्यादा पोषण पाया जाता है। डॉक्टर भी नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। अगर नारियल पानी रोज पिया जाए तो कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। ये वजन कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। नारियल पानी के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन इसका सेवन बेहद ही सावधानी से करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।